तो गाइस कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम हर बार की तरह कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग फुबार की सीजन 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सभी को बता दूं कि मेरे पास इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग शेड्यूल है वो निकल के आ चुकी है। जी हां गाइस, इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग है वो इस साल अप्रैल के मौके पर स्टार्ट होने वाली है, जो कंप्लीट हो जाएगी इस साल के थर्ड क्वार्टर के एंड तक, जिसका मतलब है कि बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इसकी सीजन 2 है वो इस साल देखने को मिलेगी। चांसेस ज्यादा है कि आपको इसकी सीजन 2 के एपिसोड है वो नेक्स्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर या फिर फर्स्ट क्वार्टर के बिटवीन देखने को मिल जाए। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है डिसेंडेंट्स ऑफ द सनसेट। जी हां गाइस, इस के ड्रामा की जो न्यू डबिंग है उसे स्टार्ट कर दिया गया है लास्ट वीक ही, जिसका मतलब है कि मार्च के मिड तक इसकी जो डबिंग है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक जियो सिनेमा पर इसकी जो न्यू डबिंग है वो रिलीज होती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग स्पेनिश क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज आरन रेन से। जी हां गाइस, इसकी हिंदी डब की जो कंफर्मेशन है वो हो चुकी है, और आपको ये क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज है वो 15 मार्च को नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रोमांटिक ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल रोमांटिक ड्रामा मूवी आयरिस वीस इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन है वो हो चुकी है, बल्कि आपको ये मूवी है वो 15 मार्च को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु डब में भी देखने को मिलेगी। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रहे हिस्टोरिकल एडवेंचर ड्रामा लिमिटेड सीरीज शोगुन की हिंदी डब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दो कि इस बारे में मैंने काफी पता किया था, फिलहाल इसकी हिंदी डब को लेकर कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में आपको ये सीरीज है वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 27 फरवरी को। तो जो भी हो, देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आती है इन फ्यूचर। तो जो भी हो, फिलहाल के लिए मेरे पास बस नई अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर। We'll be right back.